इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र कर्नाटक तनाज़ा बेलगाम को लेकर बढ़ता ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मराठी तंजीमों की जानिब से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं तो कर्नाटक में कन्नड़ तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर जवाब देना शुरू किया हुआ है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने तो बेलगाम दरअसल महाराष्ट्र का ही हिस्सा कहा है और इसे या तो शामिल किया जाएगा या तो फिर मरकजी इलाके के तौर पर ऐलान किया जाए, लिहाजा हर रोज बेलगाम सरहदी इलाकों को लेकर कुछ ना कुछ बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब इस बयानबाजी में कांग्रेस और भाजपा के बयान भी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। वजीर रियासत लक्ष्मण सऊदी ने तो बम्बई को ही कर्नाटक में देने की मांग की। अब इस मांग पर क्या कहा जाए अवाम को ही समझ में नहीं आ रहा। वही कांग्रेस का ही सतीश जारकीहोली ने लक्ष्मण सऊदी के इस बयान पर कहा कि बम्बई को लेकर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो बेंगलोर ही काफी है, कहते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि बेलगाम को मौजू सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए बनाया जा रहा है। बहरहाल अब तो नायब वजीर आला गोविंद करजोल ने और भी आगे बढ़ते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को तो तारीख यानी इतिहास ही मालूम नहीं, शिवाजी महाराज तो कन्नड़ के थे। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि शिवाजी के असलाफ यानी पूर्वज गदग जिला के सुरतूर से थे। शिवाजी के पूर्वज बेलियप्पा गदग जिले से महाराष्ट्र को चले गए, लिहाजा शिवाजी भी कन्नड़ ही थे और शिवाजी को चौथी पीढ़ी बताया गया। उन्होंने चापियों से मुखातिब होते हुए कहा कि यह तमाम बातें कहीं इनके इस बयान पर एक बार फिर मराठी लोगों में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वाजह है कि मराठियों में शिवाजी महाराज को बड़े ही अदब एहतराम से नाम लिया जाता है। अब शिवाजी महाराज को ही कन्नड़ बताते हुए तारीख के कुछ हवाले भी दिए गए। गोविंद करजोल ने कहा कि शिवाजी भोसले 1630 से 1680 तक मराठाओं के बादशाह थे। इन्हें छत्रपति के लकब से 1674 में रायगढ़ किले में नवाजा गया, कोंकण का हिस्सा था। करजोल ने यह भी कहा कि शिवाजी के नाम से ही शिवसेना पार्टी का नाम रखा गया है पर इन्हें तारीख मालूम नहीं, दरअसल शिवाजी कन्नड़ ही थे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष संकल्प नाम की किताब दीपक पवार ने लिखी है। 523 पन्नों की इस किताब में बेलगाम को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाजे के तफसीलात बयान किए हुए हैं, जिसमें उमूमन कर्नाटक हुकूमत बेलगाम मराठियों पर ज्यादती की बात कही गई। इस किताब का रस्म इजरा महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों किया गया। सरहदी मसला काफी पुराना है पर बेलगाम शहर पुरान शहर है। आजकल लोग सुकून इत्मीनान की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। इंसान को उसके धर्म मजहब जात पात भाषा के नाम पर सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए ही तकसीम किया जाता है। वैसे देखा जाए तो असल किरदार इंतजामिया का ही होता है। इंतजामिया को चाहिए कि जो भी अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उस पर कार्रवाई की जाए। अक्सर यह देखा जाता है कि इक्तदार पजीर हुकूमत के दबाव में आकर बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। किसान आंदोलन को भी इसी पस मंजर में देखा जा सकता है। मोदी हुकूमत के दबाव में आकर किसानों पर लाठियां बरसाई गई, पानी के फव्वारे आंसू गैस के गोले भी दागे गए, बेवजह पत्रकारों पर यानी सहाफियों पर तक मुकदमे दायर किए गए। कहने का मतलब सरहदों पर दुश्मनों से लड़ने के बजाय देश के किसान पत्रकारों के खिलाफ ही लड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत से सवाल पूछा जा रहा। खैर बेलगाम में मराठी कन्नड़ या हिंदू मुस्लिम का तनाव सिर्फ राजनीति के लिए ही कोई कर रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर इन पर कार्रवाई करे ताकि शहर का अमन बरकरार रहे। मरकजी मोदी हुकूमत ने कल बजट को जाहिर किया, लिहाजा बेलगाम में आज किसान तंजीमों के साथ कन्नड़ रक्षण वेदी के तंजीम इंसानी हुकूक और भ्रष्टाचार मुखालिफ तंजीम की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया और बजट में एक बार फिर किसानों पर जुल्म ही किया गया कहा गया। गंगाधर दोडमने और कस्तूरी भावे ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत और निर्मला सीतारामन पर तंज करते हुए कहा कि रियासत के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, गरीबों के खिलाफ और अमीरों की चापलूसी वाला बजट भी कहा गया। गरीबों के लिए एक और बजट की जरूरत है और मौजूदा बजट को रद्द करने का मुतालबा इन्होंने डीसी बेलगाम से किया।
आज फिर उद्धव ठाकरे को लेकर जय कर्नाटक की जानिब से एहतजाज किया गया महाराष्ट्र में बैठकर बेलगाम को महाराष्ट्र में शरीक किया जाएगा। ऐसी बातें करने वाले उद्धव ठाकरे की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि बेलगाम को महाराष्ट्र में दाखिल करने की बात नामुमकिन है। और ऐसे अल्फाजों की हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ऐसा इस वक्त संजय राजपूत, इरफान अख्तर और दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आखिर कब मुकम्मल होगा स्मार्ट सिटी का काम, ऐसा अब आवाम को कहना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से स्मार्ट सिटी के तहत कामों को शुरू किया गया, पर इसकी धीमी रफ्तार आवाम की मुसीबतों में इजाफा ही कर रही है। कई जगहों पर तो हादसे पेश आए, कल तो एक गाड़ी ही पलट गई, जिससे कईयों ने तो अस्पताल का रास्ता भी पकड़ लिया। कहने का मतलब, आखिर धीमी रफ्तार से क्यों कामों को अंजाम दिया जा रहा है? गरीब आवाम सड़कों पर बैठकर सब्जी फ्रूट बेचकर दो वक्त का गुजारा करते हैं, पर इन्हें भी बैठने तक की जगह मयसर नहीं हो रही है। एक और मुतालबा आवाम की जानिब से यह भी किया जा रहा है कि यकीनन शहर को स्मार्ट होना चाहिए, तरक्कियाती कामों को भी अंजाम देना बहुत ज़रूरी है, पर उन गरीबों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। आपको गरीबों की सब्जी फ्रूट की गाड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, इन्हें जबरन हटाया जाता है। कहते हैं कि अमीरों के लिए तो 100 खून भी माफ होते हैं, पर दो वक्त की रोटी मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो शहर की खूबसूरती, पार्किंग, ट्रैफिक तमाम मसलों पर बहस होने लगती है। इसी तरह दिगर मसाइल भी होते हैं जिन पर हुकूमत को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। आवाम का यही मुतालबा है। भाजपा कायद की जानिब से फौजी खानदान की जगह पर गैरकानूनी कब्जा करने का इल्जाम फौजी फैमिली की जानिब से लगाया गया। भाजपा कायद मुर्गेंद्र पाटिल ने अपने 3 साथियों के साथ लोहे की रोड से हमला किया, लिहाजा अपने बेटों के साथ फौजी की बीवी ने डीसी बेलगाम को अपना मुतालबा पेश करते हुए दास्तान बयान फरमाई। मोहतरमा इंदिरा नरसगोल ने सहाफियों के सामने अपनी रुदाद बयान करते हुए कहा कि मेरा शोहर फौज में है और ये जगह कनबरगी में है और शोहर के नाम से ही 2005 में इसे जगह को खरीदा गया था। हाल ही में अपनी खुद की जगह पर ही मोहतरमा इंदिरा नरसगोल अपने बच्चों के साथ पहुंची तो इन दोनों बच्चों पर लोहे की रोड से हमला किया गया, जान को खतरा होने की भी बात इस खातून ने कही। लिहाजा इन पर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा इन्होंने किया। अपने आप को राष्ट्रभक्ति पार्टी के कायद कहने वाले क्या आखिर इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। शहर में अक्सर कॉर्पोरेशन चुनाव का मौजूद जेर बहस दिखाई दे रहा है। कुछ सरगर्म उम्मीदवार चुनाव मुलतवी होने की खबर से ही नाराज और ठंडे हो चुके हैं। शहर तरक्याती महकमा ने रिजर्वेशन के ऐलान के बाद एतराजात दर्ज करने की भी मांग की थी। लिहाजा वार्ड की तामीरें और रिजर्वेशन दोनों ही अदालत पहुंचे हुए हैं। कल 4 तारीख को इस पर सुनवाई होनी। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 32 एतराजात दर्ज किए जा चुके हैं। 2018 में वार्ड की तामीर नौ की गई थी, लिहाजा इस वार्ड रचना पर ना सिर्फ साबिक कॉर्पोरेटरों को बल्कि अवाम को भी एतराजात हैं। वार्ड रचना गलत तरीके से किए जाने का इल्जाम लगाया गया है और इसी के मद्देनजर नए तरीके से वार्ड की तामीर नौ और रिजर्वेशन को भी तब्दील करने की मांग की जा रही है। देखना यह है कि बेलगाम डीसी इन एतराजात पर क्या फैसला लेते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।